हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन विल कम एमपीपीएससी 2019 रिजल्ट। बिकॉज ऑफ तारीख पे तारीख, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्ट गिव 20th ऑफ अप्रैल एंड देन गिव 3 मई एंड आफ्टर गिव 13th ऑफ जुलाई एंड अगेन कम डेट्स एंड डेट्स व्हेन विल कम एमपीपीएससी रिजल्ट। देयर आर ऑल लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ डाउट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ। Before starting this video, I would like to give you some of important information which is very very important for you. We are coming to start MPPSC pre-target test, हम लोग start करने जा रहे हैं। यह batch होगा 2020 pre के लिए fully target। इसके अंदर हम लोग 4 से 5 महीने में पूरा course करा देंगे और यह सिलेबस के क्रम अनुसार होगा। जिस तरीके से सिलेबस में दिया गया है 2020 के, उसी के आधार पर तय रहेगा और यह सब रहेगा बिल्कुल शुरू और काफ़ी जल्दी यह शुरू होने वाला है। जुलाई के अंत तक हम इसे शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम लोग लेकर आते हैं दैनिक करंट अफेयर्स, वो भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। और इस तरीके का करंट अफेयर्स नए अंदाज में हम लेकर आते हैं जो कि आप कभी भूल नहीं सकते, आपको याद भी कराने की गारंटी है करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है। जिन लोगों ने जनवरी में यह एग्जाम दिया है, 2019 की प्री एग्जाम जो हुआ था 2020 में जाके हुआ था यह जनवरी में, और अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एमपीपीएससी द्वारा जारी कर दिए गए हैं सभी लोगों के नंबर। कट ऑफ पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और देखते हैं आखिर कब तक आएगा रिजल्ट। जैसा कि सभी को मालूम है, पहले कहा गया था कि 28 अप्रैल से यह रेगुलर बेसिस पर सुनवाई की जाएगी, फिर डेट हुई 3 मई। 3 मई के बाद आप देख सकते हैं, जैसा कि सभी को मालूम है, कोरोना वायरस के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद सुनवाई अभी आया था ताज़ा खबर कि 13 तारीख को यह सुनवाई होगी, परंतु 13 तारीख से दोबारा यह जुलाई यानी 20 जुलाई खिसका दी गई। जी हाँ, अगेन एक दोबारा से तो भरी खबर यह है कि 20 तारीख कर दी गई है सुनवाई की डेट, जो कि पहले क्या थी 13 थी, 13 को हुई मगर उसको आगे बढ़ा दिया, 20 जुलाई कर दिया गया। चलिए आगे आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप स्वयं किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये है इस केस का पूरा स्टेटस। आगे से बार बार हम लोग अगर वीडियो नहीं भी बना पाए तो आप इस जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्फॉर्मेशन स्वयं जाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इस केस का स्टेटस क्या है और कब इसका रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। बाकी रोस्टर फैक्टर पर भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। रोस्टर फैक्टर पर क्या कट ऑफ का असर पड़ेगा, उस पर बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके।